साथियों सबको नमस्कार। श्रीराम कोचिंग चित्तौड़गढ़ की ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों इतिहास के दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो आज शुरू करने वाले हैं वो है वैदिक सभ्यता। इससे पूर्व हमने जो है सिंधु घाटी की सभ्यता का जो टॉपिक है वो आपके समक्ष रखा गया, उसके पुरातात्विक स्थलों और वहाँ से प्राप्त जो सामग्रियाँ थी उनके बारे में अध्ययन किया। कालक्रम की दृष्टि से हम इतिहास के बारे में देखें तो हमने पाषाण काल भी पढ़ा, उसके बाद ताम्र पाषाण काल पढ़ा, उसके पश्चात जो है सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा और आज जो हम हैं वैदिक सभ्यता का अध्ययन करने जा रहे हैं। वैदिक सभ्यता का जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो आता है समय वो आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। इसका विवरण बताते हुए आज के इस सभ्यता के टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये सभ्यता जो हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता हमारे जो देन है विश्व के लिए जो देन है उस पर गर्व करने वाली बात है। ये वैदिक सभ्यता ज्ञान की दृष्टि से उन्नत थी। इससे पूर्व जो हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी वो वैज्ञानिक रूप से उन्नत थी। वैदिक और जो सिंधु घाटी सभ्यता है दोनों ज्ञान और विज्ञान के रूप में जानी जाती हैं और ये दोनों स्थितियाँ जो समकालीन जो विश्व की जो संस्कृतियाँ थी उनसे काफ़ी उन्नत थी। तो आइए दोस्तों आज हम अध्ययन करते हैं भारत की जो वैदिक सभ्यता है उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। भारतीय वैदिक सभ्यता। अब भारतीय वैदिक सभ्यता के बारे में जैसे ही नाम आता है हमारा जो मन मस्तिष्क है वो अमर आदिकाल आर्ष ग्रंथ रामायण महाभारत और वेदों की तरफ चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बात ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही वैदिक सभ्यता का नाम आए तो ये जरूर ध्यान में रखना है कि ये सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में उद्भित हुई है। इनकी प्रामाणिक जानकारियाँ जो है मिलना शुरू हो गई थी और इस सभ्यता की जानकारी हमें केवल वेदों के द्वारा ही प्राप्त होती है। वैदिक साहित्य ही इसके प्रामाणिक ग्रंथ हैं। इस कारण सभ्यता का नाम क्या पड़ा? वैदिक सभ्यता। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि भारत में इस सभ्यता का उत्थान और पतन किस क्रम में चला है। जैसे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक जब समाप्त किया था तब मैंने ये बताया था कि सिंधु घाटी वासी जो लोग हैं वो अपनी जो भौतिक विलास था उसको छोड़कर अपने सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर गए थे। लेकिन अब पलायन कर गए तो गए किधर? आगे चलकर उनके अनुयायी कौन बने? काफी लंबे समय के बाद एक सुव्यवस्थित वापस दूसरी सभ्यता देखने को मिलती है, वो है वैदिक सभ्यता। भारतीय इतिहास में इस सभ्यता का जो वर्णन किया जाता है या इसका क्षेत्र जो दर्शाया जाता है वो हमारा पश्चिमोत्तर क्षेत्रीय है, सिंधु और सरस्वती के आसपास का क्षेत्र है ये बताया गया है। दोस्तों तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ये लोग किधर की ओर विस्थापित हुए और ये जो लोग विकसित हुए हैं वो और सिंधु घाटी सभ्यता की में थोड़ा सा अंतर क्या है वो भी मैं बताना चाहूंगा। दोस्तों भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ही ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो है उनके स्थल विकसित थे। ये पाकिस्तान ये अफगानिस्तान यहाँ पर जो नदी बहती है वो है दोस्तों सिंधु नदी। सिंधु नदी और इसकी जो सहायक जो नदियाँ हैं इनके किनारे जो हमारी सभ्यता जो विकसित हुई है वो सिंधु घाटी थी। लेकिन जब मैंने इसके पतन बताया था तब ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं या तो कुछ भारत की ओर अग्रसर हुए या ये जो हैं ये पश्चिमी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। ये दोनों तरह के प्रमाण जो हैं मान्य है कि ये भारत की ओर भी आए और पश्चिमी क्षेत्र की ओर भी गए हैं। लेकिन इनका जो भौतिक विलास है वो छोड़ दिया और अपने को जो बचाने के लिए जैसे वर्तमान में जो महामारी चल रही है इस स्थिति में लोग जो अपने संसाधनों की अपेक्षा अपनी जान की परवाह करके अपने को सुरक्षित स्थानों में जाने पसंद करते हैं। प्राथमिक धर्म यही है। प्रथम जो बताया गया है जो सुख मैंने बताया था आपको कि प्रथम जो परम पहला जो सुख है निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया का मतलब है कि अपना जीवन सबसे पहले बचाना उचित कर्तव्य बनता है। इसी दृष्टिकोण से ये लोग अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर गए। फिर धीरे धीरे इनों में वापस वंश वृद्धि हुई और वंश वृद्धि के बाद इन्होंने अपना निवास स्थान जो है ये सरस्वती जो नदी बहती है
जो हमारे राजस्थान के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में बहती हैं। इस सरस्वती नदी के आसपास का केंद्र इन्होंने निवास के लिए बनाया और इन्होंने जो है अपना प्रारंभ में कबीला जो इनका परिवार का कुनबा होता था उसमें इन्होंने पशुपालन को या गाय का पालन करते हुए उसको महत्व देकर जो ज्ञान था उच्च स्तरीय जो तपस्या का वैदिक ज्ञान था वो श्रुति के माध्यम से कहने के माध्यम से ये लोग अपने परिवार के लोगों को आगे उत्तरोत्तर पीढ़ी दर पीढ़ी बताते गए। और ये ज्ञान जो है दोस्तों इस समय आकर हमारे ईसा से 1500 साल पहले या सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जब लिपि का प्रचलन हो गया था उन्होंने विधिवत ढंग से उसका लेखन करना शुरू कर दिया। लेखन का प्रमाण मिलने के कारण ही इस सभ्यता का हम यहाँ 1500 ईसा पूर्व में निर्धारित करते हैं। एक और बात आती है दोस्तों कि आप ये पूछोगे सर कि ये वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या था, तो वो कालक्रम मैंने पहले भी बताया आद्य ऐतिहासिक काल और आगे भी मैं बताने वाला हूँ कि ये आद्य ऐतिहासिक काल किस आधार पर है, लिपि के आधार पर। लेकिन अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये लोग जो भारत में आए तो पहला केंद्र इन्होंने सरस्वती नदी को बनाया, सप्तसिंधु क्षेत्र को बनाया, इस कारण इस प्रदेश को तो क्या कहलाता है, ब्रह्मावर्त। और उत्तर वैदिक काल में आगे के जो काल हैं उसमें इन लोगों ने जो है अपना निवास स्थान जो गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में विस्तारित कर दिया पूर्व की ओर, और पूर्व की ओर विस्तार करने के कारण ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाया, ये दोस्तों आर्यावर्त कहलाया। इसका मतलब यह है कि ये जो भारतीय लोग जो भारत जो सिंधु घाटी या इसके बाद के जो लोग भारत में आए इन्होंने अपना केंद्र तो पहले यहाँ बनाया, इसके बाद पूरी भारत की ओर बढ़े, लेकिन अपने ज्ञान संपदा के कारण इन्होंने पूरे भारतवर्ष पर अपना जो प्रभुत्व जमा लिया। इसी कारण इनकी जानकारी वेदों से मिलती है। इस सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत भी क्या है, वेद है, और वेद इनके प्रमाणिक ग्रंथ होने के कारण इस सभ्यता का नाम भी क्या रखा गया, वैदिक सभ्यता रख दिया गया। वेद जो है आगे चलकर बताऊंगा मैं कि वेद जो है संस्कृत की विद धातु से बना है और उसका अर्थ जो होता है ज्ञान, और ज्ञान का जो भंडार है वो भंडार आगे चलकर क्या बनाया, वेद बना। इस तरह के जो वेदों की संख्या कितनी है, चार, विधेयक ढंग से हम अध्ययन करेंगे। लेकिन मैं केवल ये बताना चाह रहा था कि ये लोग भारत में कैसे विस्तारित हुए, आगे इनका क्षेत्र, इनका भौगोलिक स्थिति, नदियां, ये सारी बातें इसके बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों। अब मैं वापस पुनः लौटता हूँ कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता जो है ये कालक्रम की दृष्टि से किस काल में देखी जाती है, क्योंकि इतिहास का हमने कितने भागों में वर्णन किया था, तीन। पहला जो आता है वो प्रागैतिहासिक काल, दूसरा जो आता है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा क्या आता है, ऐतिहासिक काल। तो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस काल की है, तो उस काल की दृष्टि से मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो वैदिक सभ्यता है ग्रामीण थी, नगरीय अवस्था को टाल चुके थे, लेकिन इन्होंने लिपि जैसे मिली और लिखना शुरू कर दिया था तो ये आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहलाती है। और आद्य ऐतिहासिक काल में जो है कौन कौन सी सभ्यता आती है, सिंधु घाटी सभ्यता जो इससे पहले पढ़ चुके हैं, और दूसरी कौन सी आती है, वैदिक सभ्यता। अब इसमें जो है ये जो सभ्यता है इनको आद्य ऐतिहासिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस काल में लिपि का प्रचलन हो गया था, लिपि का प्रचलन हो गया था, और लिपि का प्रचलन हो गया लेकिन उसको पढ़ा या उसका अर्थ निकालना अभी तक संशय में है, अभी तक हम इसका अर्थ सही रूप से नहीं निकाल पाते हैं। इस काल को या इन दोनों के काल को दोस्तों आद्य ऐतिहासिक कहा गया है। और ये समय कब से कब है, जो मैंने आपको कालक्रम की दृष्टि से बताया था, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय जो है 2500 से लेकर हमने 1500 निर्धारित किया, और 1500 से लेकर 600 तक ये जो कालक्रम है टोटल ये आद्य ऐतिहासिक का है। और 1500 से 600 जो सभ्यता अपनी आ रही है वो सभ्यता कौन सी है, वैदिक सभ्यता कहलाती है। और ये जो वैदिक सभ्यता है इसके बारे में एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु तो ये क्लियर हुआ कि वैदिक सभ्यता को भी किस काल में रखा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। आगे चलें दोस्तों कि इस सभ्यता की जो जानकारी होती है वो वेदों से होती है, लेकिन कालक्रम की दृष्टि से इसको कहाँ रखा गया है, जब लिपि प्रचलन में आ रही थी। तो मैं इस कालक्रम की दृष्टि से आपको एक बार पुनः बता देता हूँ कि जो यहाँ पर हमारी जो सभ्यता है वो
पाषाण काल और ताम्र पाषाण को छोड़कर जो पहला जो सिंधु घाटी सभ्यता आया था, यह सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक और यह दूसरा वैदिक सभ्यता जो भी आदि ऐतिहासिक में आते हैं। अब इसमें से केवल आज का जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं वो यह है 1500 से 600 ईसा पूर्व, ईसा से पहले की बात है। इसी क्रम में हमारे जो ऐतिहासिक जो विषय हैं, बिंदु हैं, वो भी चलेंगे। तो पूर्व की क्लासों में जो विद्यार्थी इस कार्यक्रम को नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, एक बार जो है पहली और दूसरी क्लास को आप खोल के पढ़ लें जिसमें मैंने इतिहास का परिचय बताया है, उन क्लासों में इसका विधिवत ढंग से विस्तार से मिल जाएगा और हम उसी आधार पर आगे का जो वैसे वैदिक सभ्यता समाप्त होगा तो उसके बाद हम महाजनपद काल और बौद्ध धर्म जैन धर्म कह लेंगे। इसी क्रम में आगे से आगे बिंदु बढ़ता रहेगा। जो हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो वैदिक सभ्यता है और वैदिक सभ्यता का टोटल समय बताया गया है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। लेकिन अध्ययन और इनके जो मिलने वाले विवरण हैं जो हमें आर्ष ग्रंथों में मिलता है, वेदों में मिलता है, उपनिषदों में मिलता है, उनके आधार पर अध्ययन की दृष्टि से जो थोड़ा सा अंतर मिलता है उस कारण वैदिक सभ्यता को भी आगे दो भागों में बांट के पढ़ेंगे और वो दो भाग कौन सा होगा वो आगे बताता हूं। दोस्तों पहले वैदिक सभ्यता का क्षेत्र, उसकी विशेषता और उसके बारे में जो है विधिवत ढंग से तुलनात्मक अध्ययन करते हुए चलते हैं। पहले ये बात आती है इससे पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता थी तो सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी थी, नगरी। तो सिंधु संस्कृति पतन के पश्चात ही या इन्हीं लोगों में से या बाहर से उसके बाद आने वाले बाहरी लोगों से जो है या इनके जो बचे हुए जो वंशज हैं वो भारत में धीरे धीरे विकसित हुए और उन्होंने कुनबा जो है कबीला बना लिया और वो ज्ञान की दृष्टि से इतना उन्नत हो गया कि वो पूरे भारत में अपनी संस्कृति की छाप छोड़ गया। तो सिंधु संस्कृति के पतन के पश्चात जो भारत में एक नवीन सभ्यता विकसित हुई उस सभ्यता का नाम है वैदिक सभ्यता। और इस वैदिक सभ्यता के जो लोग हैं वो ज्ञान की दृष्टि से उन्नत थे, इसलिए उनको क्या कहा जाता था, आर्य लोग। वैदिक सभ्यता के निर्माता भी कौन थे, आर्य थे। आगे आ रहा है बिंदु। और इस कारण आर्यों के कारण ही इस सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहलाता है। आगे इस सभ्यता के या अनुयायी लोग एक जातिगत रूप में जो पहचानी जाने लगी थी वो क्या कहलाई, आर्य जाति कहलाई है। आर्य जाति जो आर्यों के वंशज थे वो आर्य जाति के रूप में विकसित हुए। आगे चलें कि ये जो आर्य आए थे इनको नृतत्व शास्त्रियों ने क्या नाम दिया दोस्तों, उनको नार्डिक प्रजाति का जो है संबोधन किया है। और नार्डिक प्रजाति के लोग जो है इनको लिपि का ज्ञान नहीं था लेकिन इनको नॉलेज या ज्ञान जो है उच्च स्तरीय आत्म परिष्कार का नॉलेज इनको था। अब कैसे है ये विरोधाभास की स्थिति है, सभी के मन में प्रश्न आता है कि सर ये देखो लिपि का ज्ञान इनको है नहीं लेकिन ये तो उच्च स्तरीय उन्होंने वेदों की ऋचाएं संहिताएं मंत्रों का लेखन कर लिया या उच्च बताया गया। तो दोस्तों यहां पर ये बात बताई गई है लिपि का प्रचलन सिंधु घाटी सभ्यता में था लेकिन जब लिपि आई तो लेखन किया गया, जब लिपि नहीं थी तो लेखन किसका करे। लेकिन इस वेदों में जो मंत्र संहिताएं जो बताई गई थी उसके आधार पर इनका जीवन जनजीवन काफी प्राचीन रहा है और ये हिम युगों में अंतरहिम युगों में ये सभ्यता धीरे धीरे पल रही थी। और जब ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जब लिपि का प्रचलन आया तब इन्होंने लेखन शुरू किया था। एक और बात, वेदों की जो संहिताएं हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग अपने वंशजों को श्रुति के माध्यम से ये आगे बताते थे। इन्हीं कबीलों में जो तपस्वी लोग जो कि प्रकृति की गोद में रहकर तपस्या साधना करते थे और अपने प्रैक्टिकल के द्वारा अपने जो अनुभव के द्वारा जो उच्च स्तरीय जो ज्ञान मिलता था वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बताते थे। संस्कृत भाषा में उसका उच्चारण या श्रुति के माध्यम से आगे बताते गए लेकिन लिखना नहीं आता। ये संभव है, बिल्कुल संभव है। आप किसी देहात में जाकर जो निरक्षर माँ है जो लिख नहीं सकती, अनपढ़ नहीं कह सकते, निरक्षर माँ जो है अगर उसे कहें कि उसको जो आप हिंदी में बोलोगे तो समझ आती है कि नहीं आती, उसको आपसे बात करना आता कि नहीं आता, तो या उसे शिष्टाचार आता कि नहीं आता, तो वो शिष्टाचार तो पूरा निभा लेगी, आपसे बातचीत कर लेगी लेकिन उनको ये कहो कि आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए, आपने जो बोला है वो लिख लीजिए, ये संभव नहीं है।
ये तो आज भी संभव नहीं है। तो उस समय भी जब लिपि नहीं बनी थी लेकिन उनको ज्ञान था, लिखा नहीं गया लेकिन वो श्रुति के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, श्रवण विधि के माध्यम से आगे आगे से आगे बढ़ता रहा है। लेकिन इस सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो कुछ लोग ऐसे बने हैं जिन्होंने इसको लिपिबद्ध करने का प्रयास कर लिया है, इसलिए इसको इतिहासकारों ने समय 1500 ईसा पूर्व बताया। हाँ, अब ये जो बात आ रहे हैं कि सिंधु जो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे इनको लिपि का ज्ञान नहीं था, लेकिन ज्ञान को ये सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी किसी श्रुति के माध्यम से जो है आगे से आगे बढ़ाते रहे और आगे चलकर जब लिपिबद्ध हो गए तो ये साहित्य कौन सा कहलाए? श्रुति साहित्य। और ये जो है जब ये आत्म परिष्कार के रूप में लिखाया गया, उच्च स्तरीय ईश्वरीय जो मूल तत्व है उसके बारे में लिखा गया तो संहिताएं बन गई हैं। आगे और जब मैं साहित्यों की चर्चा करूंगा आर्ष साहित्य की तब और विस्तार से बात बताऊंगा। आगे चलें, वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे या वैदिक सभ्यता को और विकसित करते गए जो लोग थे उनकी नृत्य शास्त्र के अनुसार तो आपने नार्डिक प्रजाति बता दी, लेकिन इनको प्रचलन में संबोधन क्या नाम दिया गया? इनको कहा गया दोस्तों संस्कृत भाषा में आर्य, आर्य कहा गया है। अब ये जो आर्य है इसका मतलब कोई और प्रजाति भारत में नहीं रहती थी, रहती थी, लेकिन वो जो है उनके जीवन जीने का ढंग अलग था और इन आर्य लोगों का जीवन जीने का ढंग अलग था। इन्होंने जो है आत्म परिष्कार करके ईश्वरीय तत्वों को अनुभूत करके वो पीढ़ी दर पीढ़ी बताते गए और अपने जीवन में जो जीवन स्तर है उसमें सुधार किया। जब जीवन स्तर को सुधार करने लगे तो इनका रहने का और इनका जो है पूरा ढंग अलग था और जो लोग इनसे नहीं जुड़े थे उनके रहन सहन का ढंग पूरा अलग था। इस कारण आगे चलकर भारत में फिर आर्य और अनार्य जो इनकी बातों को नहीं मानते थे इस तरह की दो प्रजातियां बन जाएगी। लेकिन हम अभी यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि आर्य लोग जो थे वो वैदिक सभ्यता को मानने वाले थे, उसको बनाने वाले थे। आगे चले हैं कि आर्य शब्द की क्या पुष्टि होती है, यहां से एक प्रश्न बनता, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है, एक, और आर्य किसका संबोधन है, भाषा का है, जाति का है या किसी संस्कृति का है? तो यहाँ पर जो है भाषाईगत समूह को आगे संबोधित किया गया। देखते हैं दोनों प्रश्न कैसे बनते हैं। पहले आता है कि आर्य शब्द का अर्थ जो है जाति विशेष को समझाया जाता है। अभी संबोधन जो आता है जाति विशेष के अर्थ में आता है, लेकिन आरंभिक जो शब्द का इसका अर्थ ये नहीं था। आर्य का अर्थ होता है भारतीय सभ्यता संस्कृति का, ये तो संस्थापक थे, लेकिन उसका अर्थ जो है वो ये बताया गया है कि श्रेष्ठ या उच्च कुल के लोग। आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, आर्य जो संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है, उत्तम या श्रेष्ठ। अगर श्रेष्ठ और उत्तम जीवन जीने वाले जो व्यक्ति होते हैं या उच्च कुल में उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाएंगे, आर्य कहलाएंगे। आगे, अब ये जो इन उत्तम कुल में जन्म लेने वाले जो अनुयायी हैं वो आगे चलकर जो जाति बन गई थी वो उस भाषाई आधार पर उस समूह को क्या कहने लगे, उस जातिगत विशेषता जो है आर्य कहलाए। इस प्रकार जो कुनबा बनता गया वो आर्यों का कुनबा या उनका कबीला अलग बनता गया, जो इनकी बातों को नहीं मानते थे वो कुनबा अलग था। अब आ जाती है आर्यों की उत्पत्ति। आपने ये कह दिया वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, आर्य। क्या इसके समय में आर्यों के अलावा और कोई नहीं रहता था, रहते थे, जो इनकी बातों को नहीं मानते थे, इनके जीवन और इनके रंग ढंग इनके नीति नियमों को नहीं मानते थे वो अनार्य कहलाए। लेकिन अब ये इन आर्यों की जो प्राचीनता या इनकी उत्पत्ति के बारे में विद्वानों ने जब अनुसंधान किया, खंगाला, जो इन साहित्यों को टटोला, तो निकल के आया कि ये लोग कहाँ पर रहते थे, पहले सिंधु घाटी से विदाई से ही निकले हैं क्या, या भारत में ही रहते थे या कहीं बाहर से आए हैं। अलग अलग विद्वान अपने प्रमाणों के आधार पर इनकी पुष्टि अलग अलग रूप से करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इनकी उत्पत्ति के मत जो महत्वपूर्ण है वो आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहला मत जो मैं रखने जा रहा हूँ है बाल गंगाधर तिलक का, और बाल गंगाधर तिलक जो थे अपने राष्ट्रवादी व्यक्ति थे और उन्होंने उस समय जो है अंग्रेजी में एक पुस्तक लिखी थी जो आर्यों के संबंध में लिखी थी, वो द आर्कटिस होम ऑफ द वेदास। उसमें उन्होंने वेदों की या वेदों निर्माताओं की जो है उत्पत्ति केंद्र जो बताया था वो क्या था, आर्कटिस प्रदेश या उत्तरी ध्रुव। अब कैसे बताया आगे मैं चित्र के द्वारा बताऊंगा कि वो आर्कटिस प्रदेश कहाँ है, लेकिन यहाँ पर एक बात इंगित होती है कि ऋग्वेद में
पुष्टि होती है कि जहाँ आर्य निवास करते हैं वहां पर जो है 6 महीने की रात 6 महीने का दिन होता है, अधिकांश समय जो बर्फ से आच्छादित रहता है, कभी बर्फ पिघलती है तो नदियां जो है बन के आती हैं। ऐसा विवरण जो वर्तमान में हिमालय क्षेत्र में कम और आर्कटिक क्षेत्र में ज्यादा प्रतीत होता है, इसलिए उन्होंने ये बताया है कि शायद ये लोग जो है आर्कटिक प्रदेश से भारत में आए हों। इनकी पुस्तक जो है वो क्या थी, द वेदास, द होम्स ऑफ वेदास, द आर्कटिक होम्स ऑफ द वेदास, इनकी पुस्तक का नाम। आगे चले दोस्तों, ये पहला मत। दूसरा मत जो आता है दोस्तों, जो कि महत्वपूर्ण है, वो है विलियम जॉन्स का। विलियम जॉन्स और जो विद्वान जो अंग्रेज अफसर हुआ करते थे, उन्होंने भारतीय इतिहास को व्यवस्थित करने का भी प्रयास किया था। इनके सहयोग के माध्यम से जो हमारे भारत में एसाइटिक सोसाइटी की स्थापना भी हुई थी, और उसी के विभाग के द्वारा जो है अपने इतिहास को व्यवस्थित साहित्यों के आधार पर जो भी हमारे फाइंडिंग्स मिलती थी उसके आधार पर क्रमशः एक कड़ी बाय कड़ी जोड़ने का प्रयास किया गया था। इन्होंने इतिहास, भारतीय इतिहास में रुचि बताई थी, और उसी आधार पर, प्रमाणों के आधार पर इन्होंने जो है आर्यों का मूल केंद्र जो बताया था वो यूरोप बताया। यूरोप के प्रदेश से आर्य लोग भारत की ओर आए हैं। अब कितना सही है ये तो इतिहासकार जानते हैं, लेकिन इनका मत अपने प्रमाण के आधार पर पुष्ट होता है। लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो मत है वो है दोस्तों मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर का नाम कई बार सुना है इतिहासकारों ने। मैक्स मूलर अंग्रेजी विद्वान था, इन्होंने जो है वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया, और इनकी एक एक लाइन को कई भी रूप से इन्होंने व्याख्या भी प्रस्तुत की। आधुनिक रूप से जो संश्लेषण मिलते हैं, जो वेदों का जो क्या नाम व्याख्याएं मिलती हैं, वो मैक्स मूलर की है। मैक्स मूलर ने बड़ी बारीकी से अध्ययन करके ये बताया है कि जो आर्य लोग हैं या वेदों के जो निर्माता हैं, वो लोग कहाँ से आए हैं, मध्य एशिया से। और मध्य एशिया में कहाँ से आए हैं मैं आगे एक चित्र के द्वारा आपको बताऊंगा कि क्या एक पुरातात्विक प्रमाण भी मिला है जिसके आधार पर इसकी पुष्टि होती है। सर्वाधिक मत जो मान्य वाला मत है वो मैक्स मूलर का। अगला है जो हमारे मनीषी हुए हैं आधुनिक युग में, वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने जो है अपना साहित्य लिखा था हिंदी भाषा में, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश को लेकर फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न भी पूछा गया, प्रकाशन के संबंध में, लेखन के संबंध में भी पूछा गया। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश का मैं जो इन्होंने आर्यों का जो मूल केंद्र बताया है वो नेपाल की तराई या तिब्बत का पठारी क्षेत्र, जो उच्च मैदानी क्षेत्र हैं, पठारी क्षेत्र हैं, वहां पर इन आर्यों की उत्पत्ति का केंद्र था। जैसे आधुनिक रूप में बर्फ का जो बर्फ के पिघलने का, बर्फ जमने का जो केंद्र है वो वर्तमान के तिब्बत के पठार के अनुसार ही था। इस आधार पर उन्होंने तिब्बत का पठार बताया है। आगे भारतीय जो विद्वान है उन्होंने भी इनका केंद्र जो अविनाश चंद्र हैं, डॉक्टर अविनाश चंद्र, इन्होंने आर्यों का मूल केंद्र सप्त सैंधव क्षेत्र बताया। सप्त सैंधव, 7 नदियों के बीच का भाग। कौन कौन सी 7 नदियां? मुख्य 2 नदियां हैं, सिंधु और सरस्वती, और 5 नदियां जो सिंधु की सहायक नदियां हैं उनके बीच का केंद्र जो है सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता है। ये मत जो है किसने दिया है, डॉक्टर अविनाश चंद्र। आगे एक और है डॉक्टर संपूर्णानंद। संपूर्णानंद ने भारतीयों का या आर्यों का मूल केंद्र जो बताया है आल्पस पर्वत के पूर्व यूरेशिया के निकट। यूरेशिया जहां पर एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के मिलन वाला केंद्र है, जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है वो यूरेशिया कहलाता है, कि वहां से कुछ आर्य जो पश्चिम की ओर भी गए और कुछ आर्य भारत की ओर भी आए, उन्हीं की एक शाखा जो भारत में आई थी वो आर्य बन गए थे। इसका मतलब यह कि जो यूरोप वाला मत, आल्पस पर्वत वाला मत यूरेशिया, और मैक्स मूलर ने जो बताया है वो लगभग लगभग एक जैसा समान रूप से प्रतीत होता है। अब इसी कारण यह है कि मैक्स मूलर का पुरातात्विक रूप से भी सिद्ध हो जाता है, वो क्या है मैं आगे बताने वाला हूँ। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि आर्यों की उत्पत्ति के जो मत हैं कि किस किस विद्वान ने कहाँ कहाँ बताए हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक होम, जो अंटार्कटिका महाद्वीप सागर में वह उत्तरी केंद्र ध्रुव बताया है। आगे विलियम जॉन्स ने यूरोप महाद्वीप,
जो मैक्स मुलर हैं उसने मध्य एशिया और डॉक्टर अविनाश दयानंद सरस्वती के द्वारा जो बताया गया तिब्बत का पठार, डॉक्टर अविनाश चंद्र ने सप्तसेंद्र प्रदेश और डॉक्टर संपूर्णानंद ने जो है यूरेशिया प्रदेश बताया। आगे चलें कि ये जो आर्य हैं अब कहां कहां से आए हैं, इन मतों की समीक्षा यहां कर लेते हैं कि ये जो चित्र हैं इसमें सभी विद्वानों का लगभग लगभग मत दिखाया गया है। पहला जो मैं बताने जा रहा हूं कि आप बाल गंगाधर तिलक ये कह रहे हैं कि ये जो भारत में इस प्रदेश में बसने वाले जो लोग थे वो लोग कहाँ से आए हैं, उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से होते हुए यहाँ आकर बस गए। हो सके कि मैक्स मुलर का जो मत है वो भी सही है, लेकिन वो भी वहां पर भी कहाँ से आए हों, उत्तरी ध्रुव से आए हों और धीरे धीरे उन्होंने अपनी अनुकूल स्थिति को देखकर उन्होंने इस सिंधु प्रदेश में आकर भारत में आकर बसना शुरू कर दिया। तो ये जो पहला मत है ये मत किसने दिया है, बाल गंगाधर तिलक ने। दूसरा जो मत है जिसे विलियम जॉनसन ने दिया था वो यूरोप महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप से जो है ये लोग भारत में आए हैं, पहले मध्य एशिया में और फिर भारत में आए हैं। तीसरा जो है मैक्स मुलर का मत, जो मैक्स मुलर जो वेदों का अनुवाद करके उन्होंने बताया है कि इनका जो केंद्र है वो मध्य एशिया था और मध्य एशिया में एक स्थान है दोस्तों जो पुरातात्विक स्थल है वहां से एक शिलालेख मिला है उसका नाम है बोगज कोई, उस स्थान का नाम है दोस्तों बोगज कोई। इस बोगज कोई नामक स्थान पर एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, इस शिलालेख में जो है दो राजाओं के मध्य संधि का उल्लेख होता है, इधर यूरोप और इधर एशिया के राजाओं के मध्य जब संधि हुई थी तब उस संधि का उल्लेख इसमें होता है और उस संधि के साक्षी के रूप में जो है चार भारतीय देवताओं के नाम लिखे गए हैं। इन चार भारतीय देवताओं का नाम इसलिए लिखा गया होगा कि इस क्षेत्र में प्रचलित होंगे और ये पुरातात्विक रूप से भी सिद्ध हो चुका है और जो मैक्स मुलर ने जो है वेदों के द्वारा भी सिद्ध किया है, तो इसी कारण ये प्रमाणिकता सिद्ध हो जाती है। तीसरा चौथा मत जो है कि दयानंद सरस्वती ने दिया वो कहाँ से दिया है कि भारत में ये लोग जो है यहाँ पर जो हिमालय की तराइन वाला क्षेत्र है यहाँ पर पठारी क्षेत्र जब बर्फ पिघल जाती है तो मनुष्य के लिए अनुकूल बन जाती है और यहाँ पर रहते रहते उन्होंने फिर अपनी अनुकूल स्थिति की तलाश करते हुए ये इधर सरस्वती नदी के केंद्र की ओर आकर फिर विस्तारित हुए। तो इन्होंने मूल केंद्र जो है कहाँ बताया, तिब्बत का पठार बताया है। आगे संपूर्णानंद और जो अविनाश डॉक्टर अविनाश जी ने जो है वो इस क्षेत्र को बताया है। अब यहाँ पर जो व्यावहारिकता क्या कहती है कि हम सारे विद्वान जो हैं वो मैक्स मुलर को प्रमाणिक क्यों मान रहे हैं या उसको ज्यादा समर्थन क्यों देते हैं कि वो ये कहता है यहाँ से प्रमाणिक रूप से सिद्ध हो चुका है, एक दूसरा है कि यहाँ से ही जो लोग हैं वो अनुकूल स्थानों की ओर गए होंगे, कुछ शाखाएं यूरोप की तरफ गई। तो आप जो कहते हैं जो एथेंस की सभ्यता के निर्माता भी आर्य थे और एथेंस जो जर्मनी में आगे चलकर जो यूरोप संस्कृति बनी उस समय जो है एथेंस पर जो गर्व करने वाला जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर भी हुआ था वो भी अपने आप को इन आर्यों की संतान कहता था और अपनी सेना का उत्साहवर्धन भी करता था, आर्य की संतान कहकर संबोधन करता था। इसका मतलब है कि ये आर्यों की शाखा एक यूरोप में भी पहुंची है। आगे इधर जो हमारी फारस की और इराक की जो सभ्यता है ईरान इराक की यहां पर भी जो है हमारे वेदों या ऋग्वेद के अनुसार इनमें वर्णन मिलता है। जो आगे ईरानी साहित्य जो आएगा उसमें भी मैं बताऊंगा वे ईरानी साहित्य जिंद अवेस्ता और हमारे ऋग्वेद में जो है वर्णन समान है, इसका मतलब ये लोग कहीं ना कहीं पहले समान रूप से एक साथ रहते होंगे तभी तो एक जैसा वर्णन मिलता है और जो अभी वर्तमान में भारत में जो लोग रह रहे हैं वो उनके अनुयायी तो है ही। इसी प्रकार जो है विभिन्न क्षेत्रों से जो भारत में आने वाले जो आर्य लोग थे उनके बारे में ये नक्शा इंगित करता है। आगे चले दोस्तों कि मैक्स मुलर ने जो ये मत दिया है वो और क्या विस्तारित या प्रमाणिक रूप से सिद्ध करने का प्रयास करता है। मैक्स मुलर कहता है कि जो ये जर्मन विद्वान था मैक्स मुलर ये कहता है कि जो आर्य लोग हैं ये मध्य एशिया या बैक्ट्रिया जो वर्तमान में आल्पस पर्वत के पूर्व में यूरेशिया में निवास करते थे और उसके बाद जो है इन्होंने वहां पर जो है भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद की रचना की
और ऋग्वेद की रचना जब की थी तब इनके कुछ लोग साथी लोग ईरान की तरफ भी चले गए, और ईरान की तरफ जब ये गए तो जैसे ऋग्वेद में वर्णन है उसी के अनुसार ईरानी ग्रंथ जींद अवेस्ता में भी वैसा का वैसा वर्णन मिल जाता है। इसका मतलब है कि आपसे प्रश्न पूछे ऋग्वेद के समान और प्राचीन दूसरा ग्रंथ कौन सा है, तो जींद अवेस्ता, या ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि ऋग्वेद के समान जो है विवरण किसमें मिलता है, तो आप ये कहेंगे जींद अवेस्ता मिलता है। और कहाँ का ग्रंथ है ये, ईरानी साहित्य है। आगे चलें दोस्तों कि इस वैदिक सभ्यता जो बनी है, अब उसके बाद जो आर्ष ग्रंथ लिखे गए उन आर्ष ग्रंथों के आधार पर इस ऋग्वेदिक सभ्यता का विभाजन किया जाता है। अब यहां पर मैं बात बता देना चाह रहा हूं कि ऋग्वेद सबसे विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है तो और कितने वेद बच जाते हैं, और ये एक है तो दूसरे और वेद कितने बच जाते हैं, तीन। टोटल कितने वेद हैं, चार वेद। अब चार वेद हैं, इसके अलावा और भी तो साहित्य हैं, उन साहित्यों को क्या कहा जाता है। और एक प्रश्न शब्द जो अभी आपको मैंने बार बार यूज में कर रहा हूं, और वो शब्द क्या है दोस्तों, आर्ष ग्रंथ। आर्ष ग्रंथ का अर्थ ये होता है जो हमारी वैदिक सभ्यता या संस्कृति है, उस वैदिक सभ्यता के बारे में जो जानकारी देने वाले शुरू से लेकर कहाँ से यहाँ से लेकर हमारे पुराण और स्मृति साहित्य तक, और यहाँ से प्रारंभ में कहाँ से, वेद, वेद से लेकर पुराण स्मृति तक के जो साहित्य लिखे गए हैं वैदिक, वो साहित्य, वो सारे ग्रंथ क्या कहलाएं, आर्ष ग्रंथ कहलाते हैं। और आर्ष ग्रंथ जो हैं इनके क्रम एक बार परीक्षा में पूछा गया, जो फर्स्ट ग्रेड 14 के में पेपर आया था उसमें लिखा गया आर्ष ग्रंथों का सही क्रम क्या है, और उन आर्ष ग्रंथों का सही क्रम जो आएगा मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले जैसे वेद आता है तो वेद नहीं होकर वेदों की जो लिखी गई ऋचा है उनको संहिता कहा जाता है, और ये जो वेद संहिता है आगे चलकर कितनी बनी, चार, और इन चार संहिता ही आगे चलकर कितने वेद हो गए, चार वेद बने हैं। अब इन चार वेद में जो है पहला वेद जो लिखा गया वो कौन सा है, ऋग्वेद या ऋग संहिता, और उसके बाद जो है दूसरा आता है अथर्ववेद, सॉरी यजुर्वेद, और उसके बाद आता है सामवेद, और उसके बाद आता है अथर्ववेद। ये चार वेद हैं, सबसे प्राचीन कौन सा, ऋग्वेद, और उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब यहां पर बात आती है जो अगला जो टॉपिक आ रहा है, वैदिक सभ्यता का विभाजन। वैदिक सभ्यता का जब विभाजन करने जा रहा हूं, इससे पहले ये बताना इसलिए जरूरी है कि इसको विभाजन क्यों किया जा रहा है। अब यहां पर जो आर्ष ग्रंथ है टोटल, इन आर्ष ग्रंथों में सबसे पहले क्या आते हैं, वेद, और वेदों में से जो है संहिता, चार वेद या चार संहिताएं बनती है, उसमें प्राचीन कौन सा है, ऋग्वेद, और उसके बाद तीन वेद आ जाते हैं। वेद के बाद या संहिताओं के बाद क्या लिखे गए, ब्राह्मण। क्रम जैसे आता है, सबसे पहले आता है संहिता। दोस्तों एक ये वाली जो मैं बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना कि वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है, तो मैं आगे भी बताऊंगा पर लेकिन यहाँ पर एक बार देना, जोर देना, ध्यान देना। संहिता, संहिता के बाद जो आर्ष ग्रंथों का क्रम आ रहा है, संहिता, संहिता के बाद आएगा दोस्तों ब्राह्मण, ब्राह्मण साहित्य, उसके बाद जो लिखे गए हैं वो है आरण्यक, आरण्यक के बाद जो लिखे गए हैं वो है उपनिषद, उपनिषदों के बाद जो लिखे गए हैं वो आएंगे दोस्तों वेदांग, और वेदांग के बाद जो आएंगे वो आएगा दोस्तों आपके जो रामायण और महाभारत है, महाकाव्य, और महाकाव्य के जो बात आए बाद जो आएंगे वो आपके आएंगे दोस्तों पुराण, और पुराणों के बाद जो आएंगे वो आएगी स्मृतियां। ये आर्ष ग्रंथों का सही क्रम है। अब इसमें से जो संहिता है वो कितनी है, चार, उसमें से मैंने ऋग संहिता अलग कर ली, और उसके बाद तीन वेद, इसका मतलब तीन वेद और स्मृतियों साहित्य तक जो वर्णन मिलता है वो वर्णन दोस्तों भिन्न भिन्न है। ऋग्वेद में वर्णन अलग है और इन तीनों में वर्णन अलग है, या इन ब्राह्मणों आरण्यकों उपनिषदों में वर्णन अलग है। इस आधार पर ऋग्वेद का समय अलग है
और इन तीनों जो वेद हैं और इनका जो बाकी का जो समय है वो अलग है। वर्णन की भिन्नता के आधार पर हमारी जो वैदिक सभ्यता है इसका विभाजन किया गया है। तो इसका विभाजन कितने भागों में होता है? दो भागों में, अध्ययन की दृष्टि से, वर्णन की दृष्टि से। तो ये दो भाग कौन कौन से आते हैं दोस्तों? वैदिक सभ्यता का जो विधिवत ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से वर्णन के आधार पर जो विभाजन किया है वो करने वाला विद्वान कौन है? विंटर निज। विंटर निज ने इस वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट दिया। तो टोटल तो समय है कितना? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का है, लेकिन ऋग्वेद को अलग कर दिया और बाकी साहित्यों को अलग करके इन्होंने अलग रूप से इसका समय निर्धारित किया है। वैदिक काल, जैसे वैदिक काल है उसका विभाजन करते हैं तो दो भागों में आता है। एक आता है ऋग्वेदिक काल और दूसरा आता है उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल जो है वो पूरा है, जो ये समय लिखा है 1500 से 600, लेकिन ऋग्वेद का जो वर्णन है वो केवल आएगा 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का है, और दूसरा जो वर्णन आएगा वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का आएगा। इस वर्णन को जो बताने का जो है वैज्ञानिक ढंग से जो विवरण अलग से किसने दिया है? विंटर नित्ज ने दिया है। आइए समय के आधार पर जो विधिवत ढंग से इन्होंने किया है एक बार पुनः प्रकाश डाल दें कि वैदिक काल जो है ये टोटल समय 1500 से 600 ईसा पूर्व, और इसका जो अगला जो वर्णन आता है जो हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा आएगा? ऋग्वेदिक काल। टोटल ये समय और हम जो ले रहे हैं वो ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का है। अब यहां पर बात आती है कि आप जो सर पढ़ा रहे हो किसका? टोटल वैदिक काल को पढ़ाओगे या ऋग्वेदिक काल को पढ़ाओगे या उत्तर वैदिक काल को पढ़ाओगे? तो मैं अब जो आगे वर्णन पढ़ाने जा रहा हूं वो ये बात आएगी कि जो कुछ वैदिक साहित्यों में जो वर्णन मिलता है उसको पहले ऋग्वेद के समय को पढ़ लेते हैं और फिर बाद में उत्तर वैदिक काल को पढ़ लेते हैं। अब इन दोनों कालों में जो साहित्य जो हमें मिलते हैं, जैसे वेद है, उपनिषद है, ब्राह्मण साहित्य जो भी है, अब उसमें एक वेद अलग रख दो जिसका नाम है ऋग्वेद, उसमें जो वर्णन है वो केवल इस ऋग्वेदिक काल में मिलता है, और आगे के जो दूसरे वेद हैं, जैसे मान लो आपके तीन वेद अलग बचे उसके साथ ब्राह्मण, उपनिषद, साहित्य, वेदांग, ये सब सारे हैं, वो सब जो काल आएगा वो किस काल का है? उत्तर वैदिक काल का। अब इसमें जो ऋग्वेदिक काल में जो हम विशेषताएं पढ़ेंगे वो ऋग्वेद में जैसे सबसे पहला बिंदु विशेषता पढ़ेंगे राजनीतिक स्थिति। अब राजनीतिक रूप से ये लोग कैसे रहते थे और इधर का जो लोग हैं वो राजनीतिक रूप से कैसे रहते थे, ये तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तर वैदिक काल में क्या था और ऋग्वेदिक काल में कैसा वर्णन था। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने ये पढ़ा कि वैदिक सभ्यता के जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आए हैं, और इन्होंने जो अपना निवास स्थान, अपना क्षेत्र जो बनाया है वो भारत के जो सरस्वती नदी को केंद्र मानकर उन्होंने निवास किया है। हो सके ये सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरवर्ती लोग हों, विद्वानों ने इनकी उत्पत्ति के जो मत हैं वो अलग अलग बताए हैं, लेकिन इनका तुलनात्मक रूप से हम अध्ययन करेंगे कि जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरी थी और ये ग्रामीण थी तो किस प्रकार से थी, और आगे चले तो इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या आएगा वो भी आगे की क्लास में हम करना चाहेंगे। आज का मैंने वैदिक सभ्यता का एक परिचय इंट्रोडक्शन रूप से दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आगे की क्लास में हम केवल ऋग्वेदिक काल को दृष्टिगत करके अध्ययन करना चाहेंगे। दोस्तों तब तक अपने घर पे रहें, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।